यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारने का मामला सामने आया है। जी हां, गुरुग्राम से बड़ी खबर है, ट्रक ड्राइवर को गोली मारने का मामला सामने आया है। और ये भी बता दें, बिलासपुर के पास अज्ञात हमलावरों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया है। और ओंकारा लॉजिस्टिक दिल्ली आनंद पर्वत के लिए ये जो ट्रक है वो निकला था, ट्रक ड्राइवर निकला था ट्रक को लेकर के। और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक सामने नहीं आ पाया है किसने इस घटना को अंजाम दिया है। बिलासपुर के पास की ये घटना बताई जा रही है। और इसके बाद से ही आपको बता दें कि इलाके में और खासकर के जो ट्रक चालक हैं उनमें एक सनसनी का माहौल पैदा हो गया है, एक डर पैदा हो गया है। रात में गाड़ी लेकर के निकलता है एक ट्रक ड्राइवर, लेकिन उसको अज्ञात हमलावर गोली मार देता है। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए मंडी जी, गुरुग्राम के बिलासपुर के पास की घटना है, जहां पर देर रात एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारी गई है। जी, गुड़गांव पुलिस के अनुसार ये जो ट्रक ड्राइवर है दिल्ली आनंद पर्वत के लिए निकला था और अपने साथ जो दूसरी गाड़ी और आ रही थी उसके इंतजार में नेशनल हाईवे एक के पास ही रुका हुआ था। जी, तो अचानक जो है कुछ लोग आए और इस ड्राइवर को जो है गोली मारी है। फिलहाल अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस ट्रक ड्राइवर को गोली मारी है। जी, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल गुलशन, जिस इलाके में आपने कहा बिलासपुर के आसपास की घटना है जहां गोली मारी गई ड्राइवर को, क्या वहां आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ लगा हुआ था जिससे कि शिनाख्त हो पाए? पुलिस क्या जांच कर रही है? देखिए मंडित, ये हाईवे पर जो है देर रात सभी ट्रक वाहन जो है चलते हैं और लगभग सैकड़ों की संख्या में ट्रक वाहन होते हैं। जी, हालांकि अभी जिस तरीके से किन क्या ट्रक ड्राइवर ही इसमें शामिल था गोली मारने में या कोई अन्य लोग थे? जी बिल्कुल, इसकी भी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हाईवे पर कुछ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है फिलहाल इसकी भी अभी गुड़गांव पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि ये देर रात का मामला है तो ऐसे में देर रात को केवल गुड़गांव पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था और उसके बाद मामले की जांच शुरू करेगी कि आखिरकार इस ट्रक ड्राइवर को ही गोली क्यों मारी गई और कौन सा जो दूसरी गाड़ी जो है कौन सी आ रही थी जिसके इंतजार में जो है वो ट्रक ड्राइवर रुका हुआ था। फिलहाल इन सभी पहलुओं पर जो है गुड़गांव पुलिस जांच। जी गुलशन, ओंकारा लॉजिस्टिक का ये ट्रक बताया जा रहा है, तो क्या मालिक से बात हो पाई है या पुलिस ने पड़ताल की है? क्या ड्राइवर के पास से कुछ पैसे भी छीने गए हैं या कुछ लूट की वारदात भी अंजाम दिया गया हो? देखिए अभी तो ये जो ट्रक है ये ओंकारा लॉजिस्टिक जो है कंपनी है इसका एक ट्रक था जो कि इसमें सामान भर के ले जा रहा था। हालांकि जरूर ये भी हो सकता है मंदिर, क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर हो या कंडक्टर हो इनके पास जो है मालिक जो है पैसे जो है रखता ही है और जहां भी ये सामान अपना उतारते हैं उसके बाद जो भी इनकम वहां से लेनी होती है वो भी वहां से ले लेते हैं। पैसे में ट्रक कहां से खाली होकर के आ रहा था और फिर कहां पर ये भरा था, इतने पैसे कहां से उठाए हैं, इन सभी बातों को लेकर के उनके ट्रक का जो मालिक है उन्हें भी जो है गुड़गांव पुलिस बुलाएगी और उसके बाद ये पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार ट्रक ड्राइवर। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सवाल बहुत ज्यादा है कि क्या पैसों की लूट भी हुई है या फिर सिर्फ कत्ल ही किया गया है, मंशा क्या थी पीछे, बहुत सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन। तो एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी गई बीती रात और अज्ञात हमलावर ने इस वारदात को अंजाम दिया। ओंकारा लॉजिस्टिक का ये ट्रक था जो दिल्ली आनंद पर्वत के लिए निकला था और ट्रक ड्राइवर जो है वो अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर का इंतजार वहां कर रहा था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि वो इंतजार जो है उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। एक अज्ञात हमलावर ने उस ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को भी कब्जे में ले लिया है, ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर इस कत्ल के पीछे क्या कुछ मंशा रही होगी और कौन हमलावर है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया।